यही तो रखे थे, अभी कहाँ चले गए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से कपड़े कहाँ जा सकते हैं। उफ, 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 उफ। सानिया, मैंने तुम जैसा बेवकूफ इंसान कहीं नहीं देखा, यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ जा सकते हैं? हैरी अभी आने वाला होगा, मैं इसे क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगी इसे, क्या करूं? उफ। कहाँ हो तुम? हेलो हैरी, कहाँ हो? क्या आपको चाय चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। कहाँ हो तुम हैरी? मैंने तुम्हें कॉल की तो तुमने उठाया नहीं, तो कॉफी हाउस में आकर बैठा हूँ। वैसे भी हमें देर हो रही है, ड्रेसेस तो तैयार है ना? अभी कॉल करती हूँ मैं तुम्हें। ओफ रिफत, रिफत। हेलो रिफत। जी आपा। मेरे कमरे में जो ड्रेसेस हैंग हुए हुए थे, क्या देखे हैं तुमने? तुमने कहीं और तो नहीं रख दिए? आपा, मैं आपके कपड़ों का क्या करूँगा? देखो रिफत, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मैंने बाबा को बता दिया तो वो तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। प्लीज, अगर तुमने छुपाए हैं तो बता दो कहाँ रखे हैं। आपा, आपको क्या हो गया? मैं आपके कपड़ों का क्या करूँगा? अल्लाह अल्लाह, अगर कभी जलजला आएगा तो उसका इल्जाम भी मुझ पर डाल देंगी। हेलो हैरी, समझ नहीं आ रहा कि ये बात तो मैं कैसे बताऊं, लेकिन मुझे लगता है कि घर में कोई चोर घुस गया था और वो माहिरा और सोना के कपड़े चुरा कर अपने साथ ले गया है वो। क्या कहा, चोर? क्या बात कर रही हो? बाबा, क्या है मेरा सरप्राइज? तुम ही बताओ हमें, क्या हम आपस में सरप्राइज बताते हैं? हमें तुम्हारी अम्मी का इंतजार करना होगा। लो आ गई। अम्मी, क्या मेरा सरप्राइज मेरा ड्रेस है? चलो खुद ही देख लो इसे। ये तो मुझ पे बहुत प्यारा लगेगा। अच्छा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। मुझे भी तो दिखाओ जरा, ये तो कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन इसलिए नहीं कि ये ड्रेस प्यारा है, बल्कि तुम इतनी प्यारी हो कि हर चीज तुम पर बहुत प्यारी लगती है, जानती हो? यहाँ आओ मेरे पास, मेरी बात सुनो। अभी हम थोड़ी देर में स्कूल चले जाएंगे, वहाँ पर बहुत से लोग होंगे और केक्स, नट्स और स्वीट्स भी दी जाएंगी। मुझे पता है आप क्या बताने वाले हैं। मैं क्या बताने वाला था मैडम? मैं मूंगफली हूँ, क्योंकि मुझे एलर्जी है मूंगफली से। मूंगफली मूंगफली को नहीं खा सकते। मेरी मूंगफली, पर चूंकि मैं मूंगफली नहीं हूँ तो मैं मूंगफली खा सकता हूँ। नहीं खा सकते आप, नहीं खा सकते। मेरी जान, मेरी छोड़े, छोड़े। क्या मैं तुमसे पूछूंगा? मैं तुम्हें पूछूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें खा जाऊंगा, समझे तुम? चलो मेरे साथ। नहीं, मेरे बाल सूख गए हैं। नहीं, ड्रेसेस हमारे पास पहुंच गए हैं, आपा को सलाम कहिएगा। क्या? हम इंतजार कर रहे हैं। मैं कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो मेरी जान, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। ये ड्रेस तुम पर बहुत सूट कर रहा है, सिलाई भी अच्छी हुई है ना? अम्मी, अब आपकी बारी है। मैं कैसी लग रही हूँ? बस ठीक है। अम्मी, बहुत प्यारी लग रही है ना? ठीक है ठीक है, अब चलो, बाकी बातें रास्ते में हो जाएंगी। आइए मैडम, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगी? सिलाई बहुत उम्दा की गई है। चोरी पकड़ी गई तुम्हारी। जानान में जा रही हूं। ठीक है हांदे साहिबा।
हादे साहिबा कहाँ जा रही हैं? आयलन निजात से इतनी मोहब्बत करती थी कि उसने उसके नाम का टैटू बनवा लिया। अब क्या होगा? ओह सोना, हांदे खुश आमदीद, उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी। शुक्रिया, मीटिंग जल्दी खत्म हो गई थी तो मैं यहाँ आ गई। हाँ अच्छा किया। आइलैंड नजर नहीं आ रही। आइलैंड यही है, रेस्ट रूम गई है। मैं भी रेस्ट रूम से होकर आती हूँ, ठीक हाँ, है? जरूर। हाँ। क्या तुम तैयार हो? हाँ, शो शुरू होने वाला जी, है। जी तैयार हूँ। हेलो आइलैंड, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम? माहिरा की परफॉर्मेंस में कैसे मिस कर सकती थी? क्या तुम्हें कोई एतराज है? अगर हाँ कहूंगी तो क्या चली जाओगी? नहीं। माँ और बेटी का डांस देखने में कितना अच्छा लगेगा ना। काश कि माहिरा अपनी असल माँ के साथ डांस करती। कुछ समझी नहीं मैं। मुझे तो लगता है बाखूबी समझ गई हो। तुम्हारा असल नाम क्या है? फजूल बातें मत करो। इस खेल में किरदार तुमने अच्छा निभाया, मगर अब दी एंड होने वाला है। अब जबकि हम दोनों अकेले हैं यहाँ, तो सच सच बता दो मुझे ताकि तसल्ली हो जाए, क्या है असली नाम? क्या तुम मुझे हमेशा इसी तरह परेशान करती रहोगी? ये सब किस बुनियाद पर कह रही हो? ये सूरत हाल थोड़ी मशकूक थी तो मैंने छानबीन की। आइलैंड के बारे में मुझे एक अहम चीज पता चली। और वो अहम चीज ये है कि उसकी गर्दन पर एंड टैटू हुआ हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम उनमें से हो जो टैटू करवा सकते हैं। यानी इंसान को एक ही नजर में देखकर पहचान लेती हो तुम? क्या तुम मुझसे मोहलत मांग रही हो? क्या कहोगी कि निजात को छोड़ने के बाद टैटू मिटवा दिया तुमने? तुम्हें वजाहत देना जरूरी नहीं समझती मैं। बिल्कुल यही सोचा था मैंने भी, क्योंकि तुम आइलैंड जो नहीं। हाँ। असल में मैंने कभी उस टैटू को मिटाने का सोचा नहीं। तुम ठीक हो ना? लगता है टैटू देखकर तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। हमें इस तरह से डांस करना होगा। अम्मी ये शो कब शुरू होगा? थोड़ा वक्त और मिल गया हमें। डांस के दौरान घबराना बिल्कुल मत, सब कुछ बिल्कुल अच्छा होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ डांस पे ध्यान देना है और एंजॉय करना है। जी ठीक है। हाँ। आ जाए प्रैक्टिस करते हैं। प्लीज ये पकड़िए। आ जाए। चलो आ जाओ। इस तरह से। हाँ इस तरह। चलो अब घूम जाओ जरा। ठीक है। हाँ बिल्कुल इसी तरह।